पेज नंबर 42, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल मेरे पास आता है रूट 169, सिंपल सी चीज है बेटा। करना इसको इस तरह से है कि एक सबसे पहले आपके पास ये फैक्टर्स बता देने हैं, ठीक है। मतलब 169 किसी के स्क्वायर रूट होता है, बताइए 13 का। तो 169 को कैसे लिख लेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, एक ही बात होती है, सही है। रूट में आपको पता है जब एक पेयर बन जाए तो कहा जाता है रूट से बाहर, तो क्या आंसर आ गया इसका 13। ओके, नंबर टू, रूट 180। अच्छा बेटा, ये किसी का रूट नहीं होता, ठीक है, ये किसी भी नंबर का रूट नहीं होता। अब इसके फैक्टर्स जरा हम चेक कर लेंगे बेटा। ये देखिए रफ कॉलम में साइड पे 2 से डिवाइड करूंगा कितने टाइम्स आएगा, 19। 2 से डिवाइड करूंगा 45, 5 से डिवाइड करूंगा 9 का, और ये 3 बनता 3। ओके, ये मैंने इसे क्या बना लिए, फैक्टर। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि 180 को ऐसे लिखा जा सकता है। किस किस के पेयर बन रहे हैं, ए टू और ए थ्री, दोनों पर आ जाएंगे बाहर, टू मल्टीप्लाई बाय फाइव अंदर जाएगा, ऐसा ही है, सही है, क्योंकि उसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो टू थ्री का सिक्स, सिक्स टू, सही है। 169 का एलसीएम निकाला है, हाँ, मतलब इस हिसाब से करके देख लीजिए, 169 सिर्फ 13 के टेबल में ही आता है और किसी टेबल में नहीं आता, ठीक है, चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आसान सी चीजें हैं, सिंपल। नंबर थ्री, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, देखकर ही आंसर पता चल रहा है बेटा। देखिए जब रूट में दो वैल्यूज हो और मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाए तो उसे एक रूट में लिखा जा सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाए तो उसको एक रूट में लिखा जा सकता है। तो इस फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक रूट में करके, क्या अलग रूट खर्च करना, एक ही में आ जाओ कहते हैं, ठीक है। तो वही वाला चक्कर है कि एक ही रूट में इसको क्या कर दिया, एक तरफ कर दिया, ऐसा सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में करते हैं। एक बार याद रखिए प्लस माइनस का अलग रूल है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। 12 और 12 क्या हुए, बाहर आ गया एक पेयर बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी ऐसे ही करना है जैसे ये वाला की है। नंबर 5, 14 मल्टीप्लाई बाय 21, ये देखिए जनाब 72 था, हाँ सही है। 14 के फैक्टर्स क्या होंगे, 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, वही पेयर बन रहा है, अभी तक तो नहीं बन रहा। अब मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई जब हो तो एक में करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, बाहर आ जाएगा 8 7, 3 टू द 6 6, ओके। एनी
कंफ्यूजन, ये सब यहाँ तक क्लियर है? क्या हुआ बोलो? रूट 15 अपॉन रूट 5, अब डिवाइड करके चला गया भाई, देख के आंसर नजर आ रहे क्या आएगा? वन, बिकॉज जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, सेम हो, तो आपके दोनों वैल्यूज क्या होती है, कट डाउन हो जाती है और क्या बचता है, वन। ये देखिए पहले लिख लें इसको इस तरह, क्या आ गया, सात सवाल हो गए, 8, 9, 10, 11, 12। Thank you.
पॉइंट लिखिए, प्लस माइनस के सवाल में, प्लस और माइनस के सवाल में रूट की वैल्यू कॉमन हो, प्लस माइनस के सवाल में रूट की वैल्यू कॉमन हो तो उसे एक बार लिखते हैं, तो उसे कितनी दफा लिखते हैं, एक मरतबा लिखते हैं बस, ठीक है। अब इसमें कोई पंचायत नहीं है कि मतलब आप रूट बोलें उसको जो है उसके फैक्टर्स में तोड़ें या कुछ भी करें, ठीक है। अब सुनिए इधर जरा देखिएगा, यहां भी रूट फाइव है और यहां भी क्या है। अब मुझे बताइए मैंने क्या बताया कि रूट फाइव और रूट फाइव क्या है, कॉमन है दोनों, ठीक है। कितनी मरतबा लिखूं, एक मरतबा लिख दिया। अब अंदर की चीज क्या है, थ्री प्लस एट क्या होता है, 11। ठीक है, साथ में चीजें माइनस कर दो, अब जो दो सवाल हैं 11 और 12 इसको करके देखें। सवाला तो मैं लिखने जा रहा हूं, उसको कॉपी डाउन कर लें, इसको आज आंसर शीट में लूज पेजेस में करना है आपने, जिस तरह थर्सडे को बताया गया था आपको लास्ट लेक्चर में, इसी तरह आपको सॉल्व करना है इसे। लिख दीजिए ये भी अपनी नहीं है किसी से, बस अपनी है, अपनी है, चले पहले ये सेवेंथ क्वेश्चन थे, आपको मैंने असाइनमेंट में करने हैं।
और असाइनमेंट किस तरह किया जाएगा, आंसर शीट में इसको कॉपी करना है और फाइल के साथ क्या कर देना, अटैच करके इसकी व्हाट्सएप तस्वीर सेंड करनी है। ओके, टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एक्सरसाइज पॉइंट 6।